नमस्कार दोस्तों, योगा एट होम में आपका स्वागत है। जिस तरह से लोग सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक उसी तरह चंद्रमा की रोशनी में चंद्र नमस्कार किया जाता है। चंद्र नमस्कार करके आप कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं चंद्र नमस्कार के 14 आसन। पहला आसन है प्रणाम आसन, प्रेयर पोज। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासना, रेस्ट आर्म पोज। तीसरा आसन है पाद हस्तासना, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड पोज। चौथा आसन है अर्ध चंद्रासना, हाफ मून पोज। पांचवा आसन है पर्वतासना, माउंटेन पोज। छठा आसन है अष्टांग नमस्कारासना, एट लाइम्ड पोज। सातवां आसन है भुजंगासना, कोबरा पोज। आठवां आसन है पर्वतासना, माउंटेन पोज। नवा आसन है बालासना, चाइल्ड पोज। दसवां आसन है पर्वतासना, माउंटेन पोज। ग्यारवां आसन है अर्ध चंद्रासना, हाफ मून पोज। बारवां आसन है पाद हस्तासना, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड पोज। तेरवां आसन है हस्त उत्तानासना, रेज्ड आर्म पोज। चौदहवां आसन है प्रणामासना, प्रेयर पोज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चंद्र नमस्कार से होने वाले लाभ। चंद्र नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। चंद्र नमस्कार से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट से संबंधित बीमारियां भी दूर होती है। तनाव से ग्रसित लोगों के लिए चंद्र नमस्कार बहुत फायदेमंद होता है। चंद्र नमस्कार करने से रक्त का संचार बेहतर होता है। चंद्र नमस्कार शरीर को संतुलित करता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चंद्र नमस्कार करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। जब भी चंद्र नमस्कार करें, तो उसे चंद्रमा की दिशा के अनुसार ही करें। चंद्र नमस्कार का अभ्यास रात में करें तथा अभ्यास करते समय सुनिश्चित करें कि पेट खाली हो। गर्भवती महिलाओं को चंद्र नमस्कार नहीं करना चाहिए। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल योगा एट होम और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।